अरे जब लवासा ऐसा है छोटा ऐसा है तो बड़े का मकाम क्या होगा। आज जितने भी लोकल पीर हैं इनको जो छेड़ा चल रहा है ना, क्या बात, तो इनको जो छेड़ा चल लिया जी साहब, ये छेड़े को ना समझता हूँ मैं, छेड़ा समझता हूँ गिरदारे पेट गड़बड़ हो जाता है, पीए हो जाता है। इंग्लिश आप बोल लो है, इतने बड़े बड़े पोस्टर छप रहे, पीर साहब आ रहे, पीर साहब आ रहे, जब पीर 100-200 आदमी, और ये बरेली के पास जो शरिया है अगर पता चल जाए तो लाखों दीवाने पहुंचते हैं। सात आठ साल हो गए तो हम एक हफ्ता पहले हुजूर ताजुद शरिया से कराची पहुंच गए थे। अब हम जब पहुंचे वहां पर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए, तो हुजूर की जब आमद हुई ताजुद शरिया की, तो जितना भी हमला था वो लिखते ना एयरपोर्ट पर, सब इमिग्रेशन वगैरह वगैरह सब सबने अपने कलम रख दिए और चेहरा याद भरी मियां। आपकी जो भाई है हजरत अल्लामा मौलाना पीर शौकत हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो एयरपोर्ट के बहुत बड़े ऑफिसर थे, रिटायर्ड होने के बाद भी साहब आना जाना तो रहता ही है ना, तो हजरत के साथ हम अंदर चले गए। हजरत हाफिज कारी अलहाज मोहम्मद असलम साहब कादरी रजवी मद्दतुल्लाह उन्हीं के घर पर कसरे रजा में हुजूर ताज शरिया का भी कयाम रहता है, हमारा भी कयाम वहीं पर रहता है। अब सब पूरे का पूरा हमला एयरपोर्ट का कलम रख के चेहरा हुजूर ताज शरिया को देखने लगा, कहने लगा ये कौन है, ये कौन है। हम बोले बरेली के अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खान है, इमाम अहमद रजा के खानदान के हैं। तो पूरा एयरपोर्ट का हमला कहने लगा कि जब अख्तर रजा ऐसे हैं तो अहमद रजा कैसे होंगे। चेहरा लगे लगे सुहाना मेरे अज़ीज़।